हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव गोल एजुकेशन। देखिए, सी मैट यानी कि कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट आज कंडक्ट हुआ था। आज है 28 जनवरी 2019। तो इसके पेपर का मैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सारे के सारे मेमोरी बेस्ड हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पूछा गया था कि जो प्लानिंग कमीशन है इसको किसने रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। अगर प्लानिंग कमीशन के बारे में हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को, भारत के संविधान लागू होने के एक दो महीने बाद, और इसको इकोनॉमिक कैबिनेट भी कहते हैं। मोदी साहब के आने के बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज किया और प्लानिंग कमीशन के बदले में क्या आया, नीति आयोग। नीति आयोग की जो फॉर्मेशन की डेट मानी जाती है वो है 1 जनवरी 2015। अभी चेयरमैन कौन है, देखिए नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, राजीव कुमार हैं वाइस चेयरमैन और अमिताभ कांत हैं सीईओ। देखिए, क्वेश्चन के साथ में दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि और कोई एग्जाम होगा तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। देखिए, सार्क के मेंबर्स पूछे गए, मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, आप ऐसे याद रखना कि सार्क एक मकड़ी है 8 टांगों वाली। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है, तो जीएसटी काउंसिल को हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं। मीटिंग करने का कोरम होता है 50% और फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन जो है या तो इसमें चार ऑप्शन देके पूछ लिया गया होगा कि कौन सी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो मैंने ये भारत की इंपोर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम दे दिए, या फिर कभी ये पूछा जा सकता है या हो सकता है ये पूछा गया हो। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं दोबारा बता रहा हूँ, पता नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड बच्चों ने जो क्वेश्चंस बताए उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। CRISIL जो है वो भारत की लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI का फुल फॉर्म पूछा गया, तो NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बोलते हैं। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली वर्क करती है पेमेंट सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रिक्स के मेंबर्स पूछे गए, तो ब्रिक्स यानी कि बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है ये पहले ब्रिक थी, साउथ अफ्रीका 2010 में इंक्लूड हो गया तो ये ब्रिक्स बन गई। ब्रिक्स को कब फाउंड किया गया था, तो ब्रिक्स की डेट मानी जाती है जून 2006, और सार्क की डेट क्या है, सार्क को फाउंड किया गया था 1985 दिसंबर 8, तो ये डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट, देखिए ये वो पोर्ट है, एक तो ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, और ये ईरान में किस लोकेशन पे है, तो ये साउथ ईस्ट लोकेशन पे है, गल्फ ऑफ ओमान के पास। ये ईरान का एकमात्र ओशनिक पोर्ट है, और इस पोर्ट में बात करें तो चाबहार पोर्ट में दो सेक्शनल पोर्ट है, पहले पोर्ट को तो बोलते हैं शहीद कालांतरी और दूसरा पोर्ट है शहीद बेहस्ती पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR का फुल फॉर्म, देखिए CRR ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। जो बैंक्स होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसे जमा कराते हैं और उन पैसों का ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकते। कोई भी बैंक जो RBI के पास पैसे जमा करा दिए उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। डिबेंचर्स होल्डर किसे बोलते हैं, देखिए एक तो कंपनीज में होते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कंपनी का एक ज्वाइंट ऑनर होता है, यानी कि कंपनी का थोड़ा सा हिस्से का हिस्सेदार वो भी होता है, पर डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स जो होता है, डिबेंचर्स का मतलब होता है लोन का पार्ट, और लोन के पार्ट का जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डिबेंचर्स होल्डर। शेयर होल्डर और डिबेंचर्स होल्डर में एक मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है कि डिबेंचर होल्डर का कंपनी में वोटिंग का राइट नहीं होता, जबकि शेयर होल्डर का राइट होता है क्योंकि शेयर होल्डर भी एक ज्वाइंट ऑनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर टिट्टी, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टिट्टी हुई 1960 में, जिसके बेस पर यह तय किया गया कि इंडस, झेलम और चिनाव इन तीन नदियों का पानी तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और रावी, ब्यास और सतलज इनका पानी जो है इंडिया यूज करेगा, और ये टिट्टी साइन की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। इस तरह की कोई टिट्टी नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बिलियर्ड्स प्लेयर का या तो चार ऑप्शन देके ये पूछा गया होगा कि कौन सा इनमें से बिलियर्ड्स प्लेयर है या कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन पे मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता ना चले। ये बेसिकली होता क्या है, ये स्टिक वाला स्पोर्ट होता है, कपड़े का इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है, उस पर बहुत सारी बिलियर्ड्स बॉल्स होती हैं और स्टिक से हम हिट करके गेम को खेलते हैं। तो अगर आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है कि क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट भारत रत्न किसे मिला, तो एक तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
और इसके बाद सीवी रमन जो कि साइंटिस्ट थे। 2019 में तीन लोगों को दिया जा रहा है, भूपेन हजारिका संगीतकार, प्रणव मुखर्जी, इनका परिचय आप लोग भली बात ही जानते हैं, और नानाजी देशमुख, ये जो है एक सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सेवी। तो भारत रत्न में या तो पहला पूछा गया होगा या 2019 का पूछ लिए गए होंगे, तो आप लोगों ने सही कर लिया होगा। ओशन करंट क्या होती है? देखिए ओशन करंट, एक तो करंट होती है जो वायरस से मूव करती है, तो उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब ओशन है तो ओशन में क्या मूव करेगा? वाटर। तो वाटर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट को हम ओशन करंट बोलते हैं। ओशन करंट मेनली कहां से आती है? विंड से, टेम्परेचर से, सॉल्ट कंटेंट और मून की ग्रेविटी। देखिए मून अपनी ग्रेविटी से ओशन के वाटर को अट्रैक्ट करता है, हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर कहीं कम हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, तो वाटर की डेंसिटी चेंज होती है, तो इस तरह से जो वाटर होता है सी का वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता है, इसे ओशन करंट बोलते हैं। ओशन करंट की डायरेक्शन कैसे तय होगी? एक तो ओशन फ्लोर से, दूसरा शोर लाइन से। तो ये ओशन करंट के बारे में होगी जानकारी। फर्स्ट मैन बुकर प्राइज जो है ये इंडिया से जीतने वाले, देखिए वी एस नायपॉल जो थे ये भारत से फर्स्ट मैन बुकर प्राइज मिला इन्हें, इन अ फ्री स्टेट, इनका एक नॉवल था 1971 में, पर ये ब्रिटिश सिटीजन थे, ये इंडिया के नहीं थे। अगर इंडियन सिटीजन की बात करें तो ये है अरुंधति रॉय, इन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और अगर इनके अलावा आप अदर मैन बुकर प्राइज भारत से जीतने वालों के नाम देखना चाहें तो मैंने यहां पर सारे मेंशन कर दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्शन क्या होता है? यहां ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, यहां एन भी होना चाहिए था। देखिए हीट ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन जो होता है ये होता है फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेज, ये कंबाइंडली क्या बनाते हैं? फ्लूइड। इसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हीट ले लेते हैं, और एक जगह के मॉलिक्यूल हीट लेके वो अपनी जगह से हट जाते हैं, और जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो हीट लेके ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस होती रहती है। रेडिएशन में मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होता है। टीवी के रिमोट सिग्नल्स के बारे में एक दिलचस्प बात आप लोग जान लो, टीवी के रिमोट सिग्नल्स जो होते हैं हमें नहीं दिखाई देते हैं, पर अगर आपके पास कोई डिजिटल कैमरा है, सभी के पास है आज के टाइम में मोबाइल का कैमरा, तो उस कैमरे से आप टीवी के रिमोट के सिग्नल्स को देख सकते हैं। वैसे आप आंखों से देखेंगे तो नहीं देखेंगे, ये सिग्नल होते हैं इंफ्रारेड टाइप के। यही क्वेश्चन पूछा गया था। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, भारत की मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था जिसने कि भारत को बर्बाद किया, उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर हैं मैकॉले 1830 में ये फाउंड किया गया था भारत का शिक्षा का सिस्टम, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पूछा गया, तो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है ये सिक्किम है, सिक्किम नहीं है, ये सिक्किम ही है, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और ये इसकी हाइट अगर पूछे तो कितनी है? 15,500 फीट। भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस अगर कहीं पर है तो वो देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव। देखिए 1950 में वन महोत्सव शुरू किया गया। वन महोत्सव में बेसिकली होता क्या है, जुलाई के महीने में पेड़ लगाए जाते हैं। अब जुलाई में ही क्यों? तो जुलाई में इसलिए क्योंकि जुलाई में होती है बारिश और पेड़ों को पानी आपको नहीं देना पड़ेगा, जून जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है। तो 2019 का वन महोत्सव मनाया जाएगा 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, यानी कि 7 डेज तक ये चलेगा। सबसे पहले ये कब शुरू हुआ था? तो उस टाइम पर जो कृषि मंत्री थे के एम मुंशी, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, 1950 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फीफा रैंकिंग पूछी गई, तो करेंट में 97 है, 20 दिसंबर 2018 की आंकड़े हैं ये। और हाईएस्ट फीफा रैंकिंग की अगर बात करें कि इंडिया की कितनी रही है, तो ये रही है 94 फरवरी 1996 में। तो ये मेमोरी बेस्ड 20 क्वेश्चन थे, अब पेपर दो हुए हैं, दो शिफ्ट में, तो 25 क्वेश्चन एक पेपर में, 25 एक में, टोटल 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। जितने क्वेश्चन मुझे पता चले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहे हों करंट अफेयर जनरल नॉलेज के, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उन सबको डिटेल में डिस्कस जरूर करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। आपने कितने क्वेश्चंस किए और कितने आपको लग रहे हैं कि सही हैं बिना तुक्के वाले, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।